गाइस ये सबसे खतरनाक सड़क है यहाँ की। यहाँ चलने में डर लग रहा है इस टाइम मुझे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लूट लेते हैं। मैं जान के लोगों से थोड़ा दूर चल रहा हूँ क्योंकि कोई मुझे ना लूट ले। यहाँ फोन चोरी होना, वॉलेट चोरी होना इज लाइक वेरी कॉमन। ये यहाँ की बदनाम सड़कें हैं, बदनाम। वैसे मैं कभी भी अपार्टमेंट होटल्स का टूर देता नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा दे देता हूँ, क्योंकि आज इतना कुछ दिखाया है आपको अपनी जर्नी। ये भी सही है हमारा लिविंग एरिया, यहाँ पे भी एक बेड लगा रखा है क्योंकि टीवी वगैरह देखने के लिए। सामने है किचन, भाई तैयारी कर रहे हैं कॉफ़ी शॉफी की। ये फ्रिज वगैरह है, उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सा वॉशरूम है, ठीक है। उसके बाद ये एक और वॉशरूम है, ये इतना है, सेम ऐसा ही है, इतने बड़े साइज का। उसके बाद आई डोंट नो ये क्यों दे रखे हैं डबल बंकर। ये एक और रूम है डबल बेड के साथ, ये क्लोजेट है। बट ये देने का लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया, ये किस लिए दे रखा है, क्या करूँ मैं इसका। मतलब एक बेड ये है एक रूम में, एक बाहर लगा हुआ है जहाँ टीवी था, बट ये तो नहीं क्या कर रखा है, डजंट मेक एनी सेंस, क्या है ये। और ऐसे चलते चलते हम जाएंगे बाहर की ओर और एक आपको दिखाते हैं बालकनी। बाहर नहीं उठूंगा, नहीं पानी हो रहा है, बारिश हो रही थी। और ये है वहाँ से व्यू बसल शहर का। सो ये था हमारा अपार्टमेंट का टूर। फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, ये सबसे खतरनाक सड़क है यहाँ की, और यहाँ चलने में डर लग रहा है इस टाइम मुझे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लूट लेते हैं। मैं जान के लोगों से थोड़ा दूर चल रहा हूँ क्योंकि कोई मुझे ना लूट ले। यहाँ फ़ोन चोरी होना, वॉलेट चोरी होना इज लाइक वेरी कॉमन। ये यहाँ की बदनाम सड़कें हैं, बदनाम। डार्क रियलिटी ऑफ बेल्जियम, वो है ये। लिटरली मैंने अब वीडियो बनाना शुरू करी है, पीछे मैंने बनाई भी नहीं, और मैं पीछे मुड़ के इसलिए देख रहा हूँ कि शायद कोई आ ना रहा हो भाग के लूटने के लिए। लेकिन यहाँ बहुत लोगों ने हमें बोला कि यहाँ से टाइम से निकल लेना, फटाफट निकल लेना, वरना आज तो तुम अपना फ़ोन वॉलेट सब दे के ही जाओगे। बट मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गाइज सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक ऐसा माहौल है यूरोपियन कंट्रीज़ का। और पता है मेन रीज़न क्या है, कुछ क्या है, क्या है मेन रीज़न, ये भी है, जब ये अंग्रेज आते ना हमारे देश में, ये हमारे देश की बुराई करते, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे देश की हालत भी ऐसी है कि मैं अपना फ़ोन निकाल नहीं पाया इस गली में, इस गली से आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा था आसपास बहुत होमलेस लोग खड़े हैं, अपने अजीब से वियर्ड लोग खड़े हैं, और मुझे ऐसा लगा ये पक्का मेरा फ़ोन चोरी करेंगे, पक्का। आप उनके चाहोगे अब आपको वो गन दिखा देंगे, चाकू दिखा देंगे, आप क्या करोगे दूसरे देश में। पुलिस वाले कुछ करते नहीं है, सब इनसे मिले हुए होते हैं। और ये भी हमें हमारा एक इंडियन भाई मिले थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि भाई ये सबसे ख़तरनाक सड़क है बेल्जियम की। उन्होंने बोला घूमो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ टाइम से और अपने होश आवाज़ में निकलना, वरना कुछ पता नहीं है। तो ये बंदा घबराया हुआ है, मजाक के बोल रहा हूँ, बट बीच में ना चार पांच लोग बैठे थे, और वो ना हम दूर से चल के आ रहे थे, हमें बाबा देख रहे थे, तो तब मुझे एक बार को लगा कि मैं ये पक्का हमसे कुछ पंगा लेंगे पक्का। और जब हम गए ना तो जान के वो ना मुझे करता हे हे ऐसे जान के कि मैं कुछ रिएक्ट करूँ, और फिर वो मुझसे कुछ बोलें या इससे कुछ बोलें। लेकिन मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि भाई उनकी तो देखियो ही मत, वो कुछ भी बोल रहे ना, कुछ भी रिएक्ट करें, चल के आए पीछे 5-10 मिनट तक कुछ देखियो मत उनकी तरफ, और चलता रहियो। अभी भी जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी सेफ जगह नहीं है, बट इस जगह यहाँ पे लाइट्स काफ़ी हैं, एक आधा होटल है पीछे, तो थोड़ी हिम्मत आ रही है कि वेल ठीक है कर लेते हैं, वरना पीछे तो हिम्मत भी नहीं आ रही। मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपके बाद ही क्या, हाँ ये कर लो पहले, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वो डालने से पहले ही मेरा फ़ोन उड़ जाए, सारा डेटा उड़ जाए, बन ना पाए। तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं बाबा पीछे देख रहा हूँ कि कोई आ रहा हो भागता हुआ और लेके भाग जाए। बट अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, इस जगह से निकलते हैं पहले, तो क्योंकि यह ख़तरनाक एरिया। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा देखने आया था माहौल क्या है यहाँ पे, यहाँ का एरिया कैसा है। देखो भाई सामने जो बंदा आ रहा है ना, ये
इसने लिटरली अभी मेरे से सीटी मारी मुझे दूर से इशारे करे और ऐसे बोला कि यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा है यहाँ यहाँ। आई डोंट नो क्या इंटेंशन था, मुझे पता लेट नाइट अंताक्षरी खेलने लगी मुझे पता है रात लेट नाइट को अंताक्षरी खेलने के लिए बुलाएगा नहीं, पक्का कुछ बोलेगा अनशंट, नहीं बोलेगा तो पक्का लूटेगा। इन दैट सेंस मैंने तो इग्नोर कर दिया, देखिए भाई तू निकल अपना और हम भी निकले अपना। चलते चलते मिला है अपना सिंह कार वॉश, ये करी बात। अपने लोग कहीं भी चले जाए जब सरनेम नाम कोई अपना मिलता है ना, मेरे को दिल से खुशी मिलती है। क्या बोलते हो भाई आप? बहुत खुशी मिलती है जब बेगाने देश में अपने लोग मिलते हैं। एक होता है ना वो बेगाने देश में अब्दुल्ला दीवाना, बस वही साहब है। ये भाई की गाड़ी है इंडिया में याद आ गई गले लगा ले अरे बाबा भाई किसी और की है, कहीं अलार्म बज जाए कुछ बज जाए। तो भाई लोग अब आ गए हैं थोड़े सेफ एरिया में, यहाँ पे हम हंस खेल सकते हैं। ये मेन सेंटर है ब्रसल्स का, बेल्जियम का। हाँ तो ऐसा था कि भाई वहाँ पे इतने शेडी लोग, इतने शेडी लोग, शेडी बोले तो वो शेडी को क्या बोलते हैं लाइक आम भाषा में? हाँ ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा है। शेडी मीन्स लाइक इतने वियर्ड लोग थे, कोई कहीं गिर रहा है, कहीं उल्टियाँ मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ब्ला ब्ला जो भी है। तो भाई मेरा मेन मकसद वहाँ से था कि हल्का सा वीडियो बनाऊँ और वहाँ से निकलूँ। और मैं बताऊँ ये मैंने बना ली मेरे अलावा और कोई होता ना लाइक जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है वो तो उनके लिए चलता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ना वो वीडियो बनाता भी नहीं। वैसे ये लोग खड़े हैं मेरे पीछे, ये लोग भी थोड़े होते हैं चोर वोर टाइप्स, मैं बना रहा हूँ वीडियो, पीछे भाग के आएंगे चुरा लेंगे। ज़रा देख रहता हूँ पीछे मुड़ के कहीं आ तो नहीं रहे। बीच में आई रिमेम्बर मैं वीडियो बना रहा था और एक बंदा आया एंड ही वाज लाइक कंटिन्यूसली सीइंग माय फ़ोन, और तब मुझे लगा कि भाई ये तो मेरा फ़ोन पक्का पक्का चुराएगा, पक्का 100% चुराएगा। तो मैंने उसी टाइम वीडियो आधी बंद करी और डालिए फोन जेब में। यहाँ से घर कहाँ है? सीधा लेके आके जो टी पॉइंट आएगा ना, और हम आए कहाँ से थे? अगर मैं ना होने बंदे के साथ ये बंदा खो जाएगा। घर पहुँच के बनाएंगे कुछ खाना पीना और सो जाएंगे। मतलब जिसने वीडियो यहाँ से देखी उसका बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देने जाता हूँ। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, रास्ते में लूंगा मैं कल। बाय, सी यू टुमारो, लव यू ऑल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर द वीडियो। ये की बात ये कर रही है इसने अपने वाली बात जो चीज मैंने आज तक नहीं बोली वो इसने बोल दी। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।